गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरती। सो कैसे हो आप सब? तो गाइज आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ आ गई। तो मैं जीशान के घर पर आई हूँ बेबी को मिलने के लिए, और मैं मिल ली बेबी को। बेबी बहुत ज़्यादा क्यूट है, ऐसी वो हेल्दी रहे, टच वुड। तो गाइज अभी मैं ऊपर आई थी मेरी वीडियो अपलोड भी करने के लिए, तो मेरी वीडियो भी अपलोड हो गई है। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे वापस जीशान इन लोगों को मिलने के लिए, और मैं ऐसे ही रहूँगी क्योंकि मुझे उन लोगों का रिएक्शन लेना है। तो उन लोगों के सामने जाके मैं ये ओपन करने वाली हूँ मेरे बाल को, और बहुत टाइम से मैंने ये पहनी हूँ क्योंकि मैं इन लोगों का वेट कर रही थी कब से, इन लोग पता नहीं कहाँ गए थे। तो अभी चलो चलते हैं नीचे और उन लोगों का रिएक्शन लेते हैं। मुझे अभी से बहुत सोच के ऐसे हो रहा है कि क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि मुझे पर्सनली जैसा मैंने सोची थी वैसा नहीं था, नहीं है कट। तो चलो देखते हैं अभी। सो गाइज मैं फाइनली आ गई हूँ नीचे, और लिटरली मेरे को आदत नहीं है ऐसा स्कार्फ का, तो मैं सिर्फ बाइक के मतलब बाइक से ट्रैवल करते टाइम पहनती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी रिवील कर ही दूँ इन लोग को मेरा हेयर कट। उससे पहले गाइज मैं एक कैसा चीज़ लगा हमारा प्रैंक गाइज, इन लोग ने मुझ पर प्रपोजिंग प्रैंक करे जो कि बहुत हिलेरियस था। मतलब मेरे को एकदम गुस्सा आ गई थी इन लोग पे, बट आप लोग वो जाके प्रैंक देखना। और प्लस इन लोग का गाइस न्यू चैनल वहीं पर जाके चैनल लिंक डाल देना, टैग कर देंगे, देखना। सब्सक्राइब करना, मेरा रोमांस चालू रहेगा गाइस वहाँ पे भी चालू रहेगा। वहाँ पर कुछ और करो भाई, वहाँ पर तूफानी करना। So guys, go and subscribe, and it's finally time to reveal my haircut. बैठ जाओ सब, बैठो। अरे छोटी इतना बाल कटा के लोग दिखाने आ जाते हेयर कट, ये तो समझ में नहीं आता। तुम दाढ़ी कट की है, ये हेयर कट की बात है, क्या मसला है? एक दो इंच कटाने के बाद पहले भी आई थी, इतना सा बाल कटा है, बोली बाल कटा है, मोला कहाँ दिखा। हाँ पहले क्या बोली थी, बोली तो कुछ चेंजेस लगा। अच्छा आग बंद करो, तुम लोग आग बंद करो यार, आग बंद करो। तो गाइस अभी मैंने देख लिया हुआ, थोड़ा सा कर लियो। सो चलो आइए, खोलो आग, खोलो, देख सकते हो। 1, 2, 3 मैंने अभी तक नहीं देखा, बोलो तुम लोग अच्छा दिख रहा है तो अच्छा खोलो, बोलो मत खोल, बोलो अच्छा खोलो। वो रोबोट वाली दिख रही है, बूम बूम रोबोट। आग खोलू क्या? नहीं खोलो, खोलो खोलो खोलो, पक्का पक्का खोलो, मत खोल। इधर 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 मरे भैया, अबे ये क्या करा ली, बहुत छोटे लग रहे हो, बहुत बेकार लग रहे हो। लौंडा थी और लौंडा दिख रही है, मैं अच्छी अजीब दिख रही है। अलग लुक ट्राई करना था यार। अरे वो इधर वो अलग ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। अरे लेकिन वो कहां अभी कट आएगी, अगर लुक मतलब अच्छे दिखते अलग लुक में। अच्छा ऐसा मैच कर, हां फिर क्या खाओगे? क्या अबे इतने इतने प्यार से क्यों देख रहे जी जान भाई, प्यार है प्यार है। अरे ये वो लग रही है, कौन लग रहा है मालूम है? काजोल, काजोल वो वाली, अंजलि अंजलि। बदनाम नहीं करो प्लीज, उसका नाम खराब मत करो। अच्छा मैं बताऊँ कौन, क्या आपको वहाँ पे वो चीज दिखाई दे रही है? एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर लग रही है वो कार्टून लेने पलक। हाँ हाँ वही वही, कट करवाई हूँ मैंने। अवतार का दूसरा लुक है, बहुत गंदे बाल दिख रहे हैं, बहुत छोटे लग रहे हैं। सोच के कर आए, जब करवा लिए हो तो ठीक है, झेल लेंगे ये लुक भी, पहले भी झेल रहे थे यानी लुक को तुम्हारे पहले बात करो। तुम लोग को एक अलग नूर नहीं दिख रहा जब से हेयर स्टाइल करवाई? नूर भाई वड़ा पाव बेच रहे हैं अपने चेहरे की। अच्छा क्या अच्छा नहीं लगा, लेंथ छोटी हो गई, बहुत ज्यादा छोटी हो गई। तुम बहुत ज्यादा, मैं तुमको बोला भी तुम बैंक से रख लेते समझ में आते थे, लेकिन वो थोड़ा बड़े रखते थे। अरे झड़ रहे मेरे बाल, मत करो, इसलिए कटवाना पड़ा। अरे अभी हेयर कट करवा के आई हूँ ना। अच्छी बहुत गंदे दिख रहे क्या यार, इतनी अच्छी दिख रही हूँ मैं, कितनी क्यूट लुक आ रहा है पूरा। तुझे सब है बहुत अच्छे लग रहे, अच्छे लग रहे, अच्छे लग रहे। करो यार आरती आरती आरती, बस आप लोग अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन लड़कियों के बाल ही बड़े अच्छे लगते, लंबे बाल ही अच्छे लगते हैं। हम लोग अपनी बहन को बोलते नहीं कटाना, तुम कैसा कटा के आगे, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। मैंने सोची सब बोल रहे न्यू लुक ट्राई करो, न्यू लुक ट्राई करो, मस्त दिख रहे हो फिर तो। अरे तू प्लास्टिक सर्जरी करा लेती, तुमको मेरा दुकान चली जाता था, 100 वाली 20 वाली। मेरे को टेंशन भी नहीं रहेगा बाल बांधने का, बनने का, एकदम ऐसी आ जाओ भाई। तुम समझ रहे नहीं हो, इसको नहाने का नहीं था, बोल रही थी अभी। आती तो बात आती, जाती तो बात जाती।
कैसी बात कर रहे हो? बोल के कैसी बात कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो यार गाइस? तुम लोग मुझे लुक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे रहता है? बाल वापस तो नहीं लगा? लुक ट्रांसफॉर्मेशन कैसा रहता है? ये ऐसा समझे, इसको बोलते समझे ऐसा। मेरे को भी एक मोटे से पतला होना, मेरे को बोलते ट्रांसफॉर्मेशन। एक ट्रांसफॉर्मेशन देखना है जिशान भाई का। भाई कब काम करो, टकली हो जाओ। मैं कर दो इतनी गंदी शक्ल लेके भी तू कर सकती है ब्लॉगिंग? आरती आरती चेयर कर दिया मैंने, चेयर ये वाली चेयर नहीं है ना भाई, इसको चेयर बोलता हूँ। सेंसलेस थिंग्स इन द माइंड। जाई भाई, ताली बजा के क्यों बुला रहे हो? इधर आ, मैं ये देखो न्यू लुक। टॉमी को बुला रहे हो क्या? आओ टॉमी। ये क्या कर लिए? चश्मा निकाल के देख लेता पागल। आप अच्छे लग रहे ना वहाँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है ना। आरती बहुत दिख रही है। ऑनेस्टली बोलो, और कितना ऑनेस्ट रहे? नहीं मुंह पे गंदी जिल्लत दे दिए फिर भी बोलिए कराना चाहिए था या नहीं? कराना चाहिए था, लेकिन तुम ये कर रहे ना, थोड़ा और बढ़े बैंक समझ में आता। ये समझ में आता है, लेकिन ये इतना ही रहना चाहिए भाई घुटने तक। और क्योंकि इससे अच्छा ना टकली हो जाती ना तो अच्छा लगती है। जवान ब्रेक कर ब्रो, क्या सोच रहे हो? क्या सोच के करवाऊंगा? मैंने सोची न्यू लुक ट्राई करती हूं। न्यू लुक चेहरा बीच से साफ कर देते हैं। अच्छी यूनिक अरसू पर करा देते हैं। क्या बोल रहा है? तुमको हिप्पी कट बोल रही है, मैं अरसू कट बोल रहा हूँ, अच्छा नाम दे रहा हूँ। थोड़ी देर बाद दाढ़ी भी उगा लेना, आरसू कट का डालो। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ। सो गाइज, अभी इन लोग का तो रिएक्शन मैंने ले ली हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ सुफियान भाई इन लोग के वहाँ पे, और वहां से मैं मिस भाई इन लोग के वहाँ पे जाऊंगी। उन लोग का भी रिएक्शन लेना है क्योंकि उन लोग को भी बताना है मुझे मेरा न्यू लुक, तो चलो चलते हैं। सो गाइज, अभी मैं आ गई हूँ मिस भाई के घर पे, तो चलो उसका रिएक्शन लेते हैं। सुफियान भाई और नीदा तो थे नहीं, तो चलो इन लोग के पास आके अब इन लोग का रिएक्शन लेते, देखते उसका रिएक्शन क्या आएगा। हेलो भाई, तो एकदम शॉक हो गए। हाय हाय, लेकिन तुम क्या कराए? ये मैं हेयर कट करवाई। हेयर कट ये बॉब कट है। ये क्या करा है? मैंने सोची कर लेती हूँ कुछ अलग लुक, ट्राई करती हूँ कैसा लग रहा है। अरसलान को और छोटे बाल कराना पड़ेगा। तुम्हारे बाल इतने अच्छे थे माशाल्लाह, तुमने ऐसा छोटे क्यों करा लिए? अच्छे लग रहे, मैं तो छोटे बाल पसंद है ना? इतने लंबे लंबे बाल थे। हाँ लेकिन क्या करूँ, कुछ पसंद है, अलग लुक ट्राई करना था मेरे को यार। हाँ यूनिक, अलग कैसा होगा फिर अगर वो इतना? हाँ थोड़े काटूंगी तो घर वाले कैसे मान गए यार? माने नहीं, मैंने अभी तक मम्मी को बताई नहीं, मम्मी को अभी घर पे आके बताने वाली हूँ। क्यूट लग रही हूँ ना? अच्छे लग रहे पर समझ रही कि इतने बड़े बाल थे उसके। हम लोग भी यही बोले, अच्छे लग रहे लेकिन इतने बड़े 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 बाल थे यार। माशाल्लाह अभी ये ऐड घर की खेती है, बोलने किया कमाल। ऐसा मत बोलो यार, आरती मेरे भी बाल कमर के नीचे तक थे, मैंने कटाई थी, मैं तो बहुत छोटी थी तब कटाई थी, 9th या 8th में कटाई थी। फिर बढ़ते नहीं है क्या? कभी नहीं है, कभी नहीं। बाप रे, ऐसा मत बोलो, कमर से नीचे नहीं जा रहे। अरे यार तुम लोग टेंशन मत, अच्छे लग रहे लेकिन बड़े रहने चाहिए थे थोड़े। ये कटाना चाहिए था, मुंह एकदम छोटा लग रहा है। अरे यार सब यही बोल रहे हैं मेरे को, छोटा छोटा ऐसा लग रहा है, बड़ा लग रहा है, जबरदस्ती चुईया लग रही हूँ ऐसा मेरे को अभी लग रहा है। इन लोग ने इतना बोल दिए तो देखिए, वो छोटी सी वो रहती है बर्ड, क्या बोलते उसका नाम, चुईया ही, ब्राउन कलर की, ब्राउन कलर की, इतना बड़ा नॉन सेंस।
अभी चलो मैं जा रही हूँ घर पे, तुम लोग का सिर्फ लुक दिखाने आई थी। अरे बाल बहुत अच्छे थे माशाल्लाह। अरे यार पर अभी भी अच्छे, अभी मेरी बहन है ना तो नहीं बोल सकते। आओ बैठो, ना नहीं अभी निकल रही हूँ मैं घर जाने का, तुम लोग का रिएक्शन लेने आई थी मैं। मिलते हैं कल, मिलते हैं फोन पे। पर सबसे हम लोग को रिएक्शन से ये दिखाना है कि तुम मम्मी को दिखा दे तो मम्मी कैसे रिएक्शन। हाँ वो भी आने वाला है जरूर। यस चलो बाय गाइस। सो गाइस कल मैं आ गई थी घर पे लेट, मतलब रात में, तो मम्मी भी सो गए थे, लेकिन मैंने सुबह उठ के मम्मी का रिएक्शन लिया है मेरे हेयर कट पे। और गाइस मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ भी आपको बताना चाहती हूँ, मम्मी का रिएक्शन भी मैंने लिया है और वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम डेंजरस है वो रिएक्शन जो मैंने मम्मी का ली हूँ। और गाइस मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ बहुत टाइम से, कि ये जो मैंने बाल कटवाए हैं ऐसे, ये बस एक प्रैंक है। आई एम सो सो सॉरी गाइज, एक्चुअली ये प्रैंक नहीं होता अगर आप लोग सब मुझे नहीं बोलते कि बाल मत कटाओ ये वो ऐसा वैसा। मैं बाल कटवाने वाली थी बट आप सब लोग के इतने कमेंट्स थे तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार मुझे नहीं कटाना चाहिए बाल, मैं नहीं कटाऊंगी, लेकिन क्यों ना मैं आप पर प्रैंक करूँ। तो इसके लिए मैंने आप पर और मेरे सारे फ्रेंड्स पर प्रैंक किया, अभी तक उनको पता नहीं है कि मेरे ये प्रैंक है, अब ये वीडियो के बाद उनको पता चलेगा, क्योंकि मैं पूरा टाइम ऐसे ही थी, मैंने ज़रा भी वीक को निकाला नहीं। एंड इसके लिए उन लोगों को पता ही नहीं चला कि ऐसा ये प्रैंक है, तो अब वीडियो में रिवील कर रही हूँ कि ये प्रैंक है, तो मुझे बहुत मज़ा आ रही है। बट आई एम सो 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 सॉरी गाइज, बट मैं ये सच में करने वाली थी, बट आप लोग ने मुझे इतना प्यार दिखाया, मेरे बड़े बार आप लोग को इतना पसंद है, इसके लिए मैंने ये रिस्क नहीं लिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी सो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल एंड सी इन द नेक्स्ट व्लॉग। एंड और गाइज अगर आप मम्मी का रिएक्शन देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, फिर मैं वो व्लॉग भी अपलोड करूँगी।